दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में ईटेक सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलता है, कौन सी कंपनी का आता है, किस बीमारी में काम आता है, किस तरह लिया जाता है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इसकी सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए ईटेक लिक्विड यानी सिरप, सिरप फॉर्म में ये आती है, पीने के लिए आती है। दोस्तों डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं करना है। अगर कंपनी की बात करें तो कोई कंपनी इसे बनाती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं, लगभग हर दवाई की दुकान पर, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। दोस्तों बात करें भाई कहाँ यूज़ की जाती है, तो देखिए कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कफ की दिक्कत हो जाती है, वेट कफ, तो फेफड़ों में कई बार बहुत ज़्यादा कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, व्यक्ति के छाती के अंदर तय तय की आ जाती है, तो ब्रोंको डायलेटर COPD, ठीक है, तो वहाँ पे दी जाएगी, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम में दी जाएगी। अगर छाती के अंदर बहुत ज़्यादा मुक्कस है, कफ है, जकड़न है, वहाँ दी जाएगी। नाक के अंदर भी अगर कफ है, गले के अंदर भी कफ आ जाता है, उस कंडीशन में ये दी जाएगी। सूखी खांसी में नहीं दी जाएगी, बलगम वाली खांसी है तो वहाँ दी जाएगी। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं तीन सोल्ट, पहला है टर्बूटा लाइन, दूसरा है एसी ब्रोफाइलिन और तीसरा है ग्यूफिनसिन। दोस्तों टर्बूटा लाइन मांसपेशियों को आराम दिलाता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि व्यक्ति का ब्रीथिंग इजी हो सकती है। एसी ब्रोफाइलिन वायु मार्ग को चौड़ा कर ब्रीथिंग इजी करता है। ग्यूफिनसिन दोस्तों सबसे मेन सोल्ट होता है, ये कफ को ढीला कर बाहर निकालता है, अगर कहीं पर कफ जमा हुआ है तो वहाँ पर जकड़न को कम करता है, कफ को वहाँ से हटाकर बाहर निकालता है, श्वास नली को साफ करता है, तो इस तरीके से काम करती है। डोज की बात करें, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, इसकी 5-5 ml 2 से दिन में 3 बार ले सकता है मिनिमम, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम भी ले सकता है, सुबह शाम आराम मिलता है, तीसरी बार डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि नींद आने में दिक्कत होना, व्यक्ति को वॉमिटिंग हो जाना लेने के बाद, या फिर पेट दर्द होना, स्टोमक अपसेट होना, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस में होते हैं, हर किसी को नहीं होती, घबराने की बात नहीं है। सावधानी बस ये कि डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों लेने के बाद कोई भी एलर्जिक डिसऑर्डर होता है बॉडी पर, तुरंत इसका यूज करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताइएगा, कुछ भी समझो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।